स्टोरी टाइम फैब टू। कहानी का नाम है अकलमंद भेड़िया। क्या नाम है? अकलमंद भेड़िया। उस रोज बहुत गर्मी थी और शिकार की तलाश में भेड़िया थक हार कर चूर हो चुका था। उसने शिकार करने के लिए कई छोटे छोटे बड़े जानवरों पर हमला किया था, मगर हर हमला किसी न किसी वजह से नाकाम साबित हुआ। आज भूख और नाकामी की वजह से भेड़िए को खुद पर सख्त गुस्सा आ रहा था। कुछ देर के बाद भूखा भेड़िए की बर्दाश्त से बाहर हो गई। अब तो भूख की वजह से भेड़िए के लिए चलना भी मुश्किल हो गया। भूख से निढाल भेड़िया एक दरख्त के पास बैठ गया। उसे वहां बैठे थोड़ी देर ही गुजरी थी कि एक लोमड़ी उस तरफ आ निकली और भेड़िए को गुस्से में देखकर पूछा, तुम कुछ परेशान दिखाई दे रहे हो, क्या बात है, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? भेड़िया बोला, मैं कल सुबह से भूखा हूँ और अभी तक मुझे शिकार नहीं मिला। अच्छा लोमड़ी, तुम बहुत ज़हीन हो, क्या तुम्हारे पास शिकार करने के लिए कोई आसान तरकीब है? लोमड़ी ने भेड़िए की बात सुनकर जवाब दिया, लो भाई, ये कौन सा मुश्किल काम है, इस जंगल में बेवकूफ़ जानवरों की कमी नहीं। आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें शिकार करने का आसान तरीका बताती हूँ। ये कहकर लोमड़ी ने भेड़िए को साथ लिया और करीब ही एक झील के किनारे जा पहुंची। उस वक्त झील में एक बदख तैर रही थी। वहां पहुंचकर भेड़िया एक झाड़ी के पीछे छुप गया तो लोमड़ी ने आगे बढ़कर बदख को आवाज दी, बीबी बदख, तुम्हारी आवाज कितनी प्यारी है, जरा मेरे करीब तो आओ, मैं तुम्हें तुम्हारी आवाज सुनना चाहती हूँ। इस पर बदख ने जवाब दिया, मैं तुम्हारी चलाकी खूब समझती हूँ बीबी लोमड़ी, तुम बहाने से पास बुलाकर मुझे शिकार करना चाहती हो। लोमड़ी बोली, बिल्कुल नहीं बीबी बदख, मेरा यकीन करो, मुझे तो तुम्हारी लंबी गर्दन और इस पर मौजूद नरम नरम से पर बहुत पसंद हैं और तुम्हारी सुरीली आवाज़ के तो क्या ही कहने। बदख ने अपनी तारीफ सुनी तो बहुत खुश हुई और किनारे की तरफ बढ़ने लगी। मगर जैसे ही वो झील के किनारे पहुंची, लोमड़ी ने झटकर उसे काबू कर लिया। झाड़ियों के पीछे छुपा भेड़िया लोमड़ी की तरकीब से बहुत खुश हुआ।